हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन एकेडमी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मल्टीपल ऑफ कैंपस हायरिंग। सो गाइस, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को मिस मत करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी से, विच इज़ फ्रॉम वैली एज। सो गाइस, वैली इज करेंटली लुकिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। ओके, तो गाइस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिग्री की, तो मोस्टली यहाँ पे सारी डिग्री कवर है, लाइक बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, बीसीए एंड एमसीए, बीएससी एंड एमएससी। सो इसमें सारे डिग्री के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एंड यहाँ पे टेक्निकल ब्रांच लाइक सीएसआईटी, ईसी, ट्रिपल ई, सो सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दी परसेंटेज, इसके लिए आपके परसेंट कितना होना चाहिए, तो परसेंट यहाँ पे है 60% थ्रू ग्रेजुएशन, 12th एंड 10th। सो ग्रेजुएशन में भी आपके 60% होना चाहिए, एंड 10th या 12th में भी। अब हम बात करते हैं बैच की, ईयर ऑफ पास आउट। सो 2022 एंड 2023 ओनली विथ नो स्टैंडिंग एरियाज। ओके, सो गाइस इसमें 22 बैच के और 23 बैच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी बैकलॉग नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं अदर स्किल्स क्राइटेरिया की डेट यू शुड हैव। सो एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विंग, स्टोरेज, मैसेजिंग, विजुलाइजेशन, नेटवर्क एंड एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, गुड ट्रैवल शूटिंग स्किल्स, एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, गुड जावा पाथन प्रोग्रामिंग स्किल्स, बिकॉज ये आपका टेक्निकल रोल होने वाला, तो यहाँ पे आपको टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। लाइक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, लाइक जावा, पाथन, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू शुड हैव। एंड एबिलिटी टू राइट क्वेरीज, SQL क्वेरीज, MySQL, Oracle, SAP, एबिलिटी टू राइट स्क्रिप्ट, बैश एंड पायथन, एंड विलिंगनेस टू वर्क इन मेजर सिटीज अक्रॉस इंडिया। सो गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है विलेज की तरफ से, एंड यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपकी डिग्री, ब्रांच, परसेंटेज एंड ईयर ऑफ पासिंग आउट। अब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर थोड़ा सा लुक देते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, लाइक आपका जॉब रोल प्रेफरेंस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन इसके बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, आपका CV भी अटैच करना है, अपडेटेड CV, उसके बाद आप अपनी यहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। सो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दी सेकंड अपॉर्चुनिटी, विच इज़ फ्रॉम विप्रो। सो गाइस ये टेक्निकल अपॉर्चुनिटी है, बट ये आपकी अकाउंटिंग एंड कॉमर्स स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी कमेंट करते हैं चैनल पे कि उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी लेकर आओ, तो गाइस विप्रो की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एज अ एसोसिएट वो हायर कर रहे हैं। लोकेशन आपकी होने वाली है यहाँ पे मुंबई, एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टाइटल की, तो टाइटल है आपका एसोसिएट, एंड बिजनेस यूनिट आपकी होने वाली है इंडियन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, HCM। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, लाइक एजुकेशन स्किल्स व्हाट यू शुड है, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए आपके पास यहाँ पे कॉमर्स एंड अकाउंटिंग स्टूडेंट्स। ओके, एंड वर्क एक्सपीरियंस 0 to 24 months, लाइक अगर आप फ्रेशर हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास 24 months का एक्सपीरियंस है, लाइक 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्किल्स की, तो गुड रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्किंग नॉलेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एक्सेल एंड वर्ड। सो आपको नॉर्मल जो कंप्यूटर से रिलेटेड एक्सेल और वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है, टाइपिंग स्पीड ऑफ मिनिमम 25 WPM ऑफ 90% एक्यूरेसी। ओके, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वर्क कंडीशन की, वर्क कंडीशन किस तरीके से होने वाली है कि फ्लेक्सिबल टू वर्क 24/7 शिफ्ट टाइमिंग से यहाँ पे आपकी होने वाली है, ओकेजनल एक्सटेंडेड वर्क आवर्स टू मीट बिजनेस नीड्स, एंड मोबिलिटी अक्रॉस क्लाइंट टीम्स, विलिंगनेस टू साइन अ सर्विस एग्रीमेंट एंड ज्वाइनिंग एंड बिफोर एवरी ओवरसीज ट्रैवल असाइनमेंट एंड ट्रेनिंग। ओके, सो गाइस अगर आप रेडी हैं सर्विस साइन करने के लिए सर्विस एग्रीमेंट में, यहाँ पर मैं डिस्कस कर सकूँगा आपका वर्क कंडीशन यहाँ पर क्या क्या होने वाली है, क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ओके, सो गाइस आई हैव डिस्कस अबाउट टू ऑफ कैंपस हायरिंग विच इज़ फ्रॉम विप्रो एंड वैली एज। सो गाइस आप यहाँ पे कॉमर्स एंड अकाउंटिंग स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एंड टेक्निकल स्टूडेंट्स आप वैली एज में अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड आगे की वीडियोज़ में इसी तरीके से मैं ऑफ कैंपस हायरिंग आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।